हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडुफाइल। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में, जिसको मैं आपको बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा एक एक टर्म। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पोस्टुलेट हमें क्या बताता है, एनी स्टेट ऑफ ए सिस्टम विद एन डिग्री ऑफ फ्रीडम इज डिस्क्राइब्ड बाई ए वेव फंक्शन। यानी कोई भी सिस्टम हो जिसका कोई भी डिग्री ऑफ फ्रीडम हो, एन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको हम किससे डिफाइन करेंगे, वेव फंक्शन के। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी पार्टिकल होता है तो उसके साथ में एक वेव एसोसिएट होता है। कोई भी मूविंग पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट होता है, ये हमें कौन बताता है, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। मान लीजिए ये पेन है, मैं पेन को ऐसे फेंक रहा हूँ तो ये भी इस तरह से वेव की तरह ट्रैवल करेगा। अब वो अलग बात है, इसकी वेवलेंथ जो होगी वो कम होगी। इज दैट क्लियर? तो हर पार्टिकल के साथ में एक वेव एसोसिएट होता है, इसीलिए हम किसी भी सिस्टम को, किसी भी स्टेट सिस्टम को हम किससे डिफाइन करते हैं, वेव फंक्शन। किससे डिफाइन करेंगे, वेव फंक्शन से, और इसको हम लोग ग्रीक लेटर साई से लिखते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये हमने पहला पोस्टुलेट जाना कि किसी भी स्टेट हो सिस्टम का, कोई भी स्टेट हो, उसको हम लोग किससे डिफाइन करेंगे, वेव फंक्शन। अब यहाँ पे जो डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका मतलब क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब ये होता है कि पार्टिकल कितने इंडिपेंडेंट मोशन परफॉर्म कर रहा है। अगर पार्टिकल थ्री डायमेंशन में मूव कर रहा है तो उसका हो जाएगा जाई एक्स वाई जेड और कॉमा टी, यानी टाइम भी तो होगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे, और एन होगा तो हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, जाई इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अप टू क्यू एन एंड कॉमा टी। इज दैट क्लियर? लेकिन हम लोग जनरली थ्री डायमेंशन ही यूज़ करते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। अब सेकेंड पोस्टुलेट देखते हैं, एवरी फिजिकल ऑब्जर्वेबल इज एसोसिएटेड विद ए लीनियर हर्मिशियन ऑपरेटर, ए मेजरेबल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड एज मैथमेटिकल ऑपरेटर। इसको हम समझते हैं, जैसा कोई भी फिजिकल ऑब्जर्वेबल होता है, मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, वो किससे एसोसिएट होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर से। किससे एसोसिएट होता है, हर्मिशियन ऑपरेटर से। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा ऑपरेटर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई वेव फंक्शन है, कोई वेव फंक्शन है तो उस पर मुझे मेजरमेंट करना होगा, तो इसके लिए मैं डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेटर यूज़ करूँगा। क्या यूज़ करूँगा, ऑपरेटर। किसी भी वेव फंक्शन पे मेजरमेंट करने के लिए मैं यूज़ करूँगा ऑपरेटर। तो हर फिजिकल ऑब्जर्वेबल के साथ एक ऑपरेटर एसोसिएट होगा। इज दैट क्लियर? यानी कि मेजरमेंट के लिए हम वेव फंक्शन पे क्या यूज़ करेंगे, ऑपरेटर। तो यहाँ पे जो कह रहा है वो ऑपरेटर होना चाहिए, वो हर्मिशियन ऑपरेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हर्मिशियन ऑपरेटर। अब हर्मिशियन ऑपरेटर क्या होता है, इसको भी देख लेते हैं। हर्मिशियन ऑपरेटर को हम, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑपरेटर है ए, और वो अपने कॉन्जुगेट ए हैड स्टार के इक्वल है, तो हम उसको कहेंगे वो है हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या है, हर्मिशियन ऑपरेटर। अब हर्मिशियन ऑपरेटर के बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, तो मैं यहाँ पे इसको डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। हर्मिशियन ऑपरेटर, अगर कोई ए हैड ऑपरेटर है और वो अपने कॉन्जुगेट के इक्वल है, तो हम उसको कहेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर। अब यहाँ बात करेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर का ही यूज़ क्यों कर रहे हैं। तो हम जानते हैं कि हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑपरेटर, अगर हम वेव फंक्शन पे कोई ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं ए हैड मान लीजिए, तो वो कोई आइगन वैल्यू लेमडा देगा। इज दैट क्लियर? जब हम वेव फंक्शन पे मेजरमेंट करने के लिए ऑपरेटर यूज़ करेंगे ए हैड, तो वो एक आइगन वैल्यू लेमडा देगा हमको। क्या देगा, आइगन वैल्यू लेमडा। इज दैट क्लियर, आइगन वैल्यू लेमडा देगा। तो यहाँ पे जो ये हमें बताता है हर्मिशियन ऑपरेटर की जो आइगन वैल्यू होती है लेमडा, वो रियल होती है। फॉर हर्मिशियन ऑपरेटर जो आइगन वैल्यू होती है वो कैसी होती है, रियल होती है। अब जैसे कि हमें फिजिकल ऑब्जर्वेबल है, तो जैसा कि आप जानते हैं फिजिकल ऑब्जर्वेबल जो भी हम ऑब्जर्व करते हैं वो रियल ही तो होती है, वो वर्चुअल थोड़ी ना होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर। क्या यूज़ करेंगे, हर्मिशियन ऑपरेटर। यहाँ पे इसीलिए हम हर्मिशियन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, बाकी और ऑपरेटर नहीं यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? तो ये सेकंड पोस्टुलेट भी हमारा यहाँ पे क्लियर होता है कि हर फिजिकल ऑब्जर्वेबल के साथ हर्मिशियन ऑपरेटर एसोसिएट होता है। ऑपरेटर क्या होता है कि किसी भी चीज़ में मेजरमेंट के लिए हम ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अब चलिए थर्ड पोस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं, द ओनली पॉसिबल वैल्यूज विच ए मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैन गिवन आर गिवन बाई। जी हाँ, देखिए मैं इसको अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बता चुका हूँ। मान लीजिए कि किसी भी चीज़ पे मुझे मेजरमेंट करना है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, मेजरमेंट ऑफ द ऑब्जर्वेबल कैन गिवन आर दिस इक्वेशन। जैसे मान लीजिए
वेव फंक्शन है, तो वेव फंक्शन पे मेजरमेंट करने के लिए क्या यूज़ करेंगे हम, ऑपरेटर, तो ऑपरेटर ए हेड यूज़ करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, एक लैम्डा मिलेगा और ये वेव फंक्शन, इज़ दैट क्लियर। तो यहाँ पे जो ये लैम्डा होता है इसको हम कहते हैं आइगन वैल्यू, क्या कहते हैं, आइगन वैल्यू। जब हम किसी वेव फंक्शन पे ऑपरेटर लगाते हैं मेजरमेंट के लिए तो हमें एक आइगन वैल्यू मिलती है, इसको हम लैम्डा से या किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी पॉसिबल वैल्यू मेजरमेंट के लिए जो होती है वो इस इक्वेशन से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, इज दैट क्लियर। तो ये हमारा थर्ड पॉस्टुलेट भी क्लियर होता है। और यहाँ पे जो जाई होगा इसको हम लोग कहेंगे आइगन फंक्शन, और जो लैम्डा होगा उसको हम क्या कहेंगे, आइगन वैल्यू, यानी जिस पे ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं उसको आइगन फंक्शन, और जो हमें मिलता है उसको आइगन वैल्यू कहेंगे। तो ये थर्ड पॉस्टुलेट भी हमारा यहाँ पे क्लियर होता है। फिर फोर्थ पॉस्टुलेट क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ टाइम ऑफ द वेव फंक्शन ज़ाई ऑफ ए सिस्टम इज़ गिवन बाई श्रोडिंगर इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि वेव फंक्शन है ज़ाई आर टी, ज़ाई आर टी, आर क्या है पोजीशन, टी क्या है टाइम। अब आप यहाँ पे एक्स वाई जेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो भी वेव फंक्शन का जो टाइम एवोल्यूशन होता है, यानी टाइम के साथ जो डेवलपमेंट होता है, इस तरह से टाइम के साथ में जो वेव फंक्शन का डेवलपमेंट होता है वो किसके द्वारा गवर्न किया जाता है, श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन डिफाइन करता है उसको, इज दैट क्लियर। श्रोडिंगर इक्वेशन क्या करता है, जैसा कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी है, उसका मास कितना है, पोटेंशियल विद रेफरेंस टू न्यूक्लियस कितना है, इन सबको डिफाइन करता है, इज दैट क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, इलेक्ट्रॉन भी तो एक वेव है, तो हम कह सकते हैं कि जो वेव फंक्शन को कौन डिफाइन करता है, श्रोडिंगर इक्वेशन, यानी श्रोडिंगर इक्वेशन से हम डिफाइन कर सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ टाइम ऑफ वेव फंक्शन, इज दैट क्लियर। अब चलिए नेक्स्ट पॉस्टुलेट की तरफ बढ़ते हैं, द एवरेज वैल्यू ऑफ एन ऑब्जर्वेबल ए करस्पॉन्डिंग टू द ऑपरेटर ए हैड फॉर ए सिस्टम डिस्क्राइब बाई वेव फंक्शन आई इज गिवन बाई। ये क्या है भाई, इसको भी समझते हैं। जैसा कि हम जानते हैं वेव फंक्शन इस तरह से होता है, यानी हर पार्टिकल के साथ में क्या एसोसिएट होता है, वेव एसोसिएट होता है। अब मान लीजिए ये पार्टिकल यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है। तो हमें अगर पार्टिकल को फाइंड करना है तो हम वेव फंक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जाई से। तो पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहा जाता है, जो कि इक्वल होता है मॉड जाई स्क्वायर के। इसको हम लोग लिख सकते हैं जाई जाई स्टार। अब ये स्टार क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। जैसे कि आप मान लीजिए जाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो जाई स्टार क्या हो जाएगा भाई, ए माइनस आई बी, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे इससे हम किसी भी पार्टिकल को फाइंड करने की ये प्रोबेबिलिटी है इन द वैल्यूम एलिमेंट डी टाउ, मान लेते हैं चलिए इतने वैल्यूम एलिमेंट में पार्टिकल को फाइंड करने की ये प्रोबेबिलिटी है, ये हम समझ गए। अब मान लीजिए कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ में कोई ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं, अल्फ़ा यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए अल्फ़ा नहीं, हम यहाँ पे ए हैड यूज़ करेंगे क्योंकि अभी तक हमने ए हैड यूज़ किया है, तो ए हैड कोई ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं। तो एवरेज वैल्यू जो भी होगी ऑब्जर्वेबल की, इसको हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे एवरेज वैल्यू को। अब एवरेज वैल्यू क्या होती है, जैसे मान लीजिए ए वन ए टू ए थ्री इस तरह से आया होगा बहुत सारी वैल्यू, तो उसको हमने सिंपली ए से रिप्रेजेंट कर दिया ब्रैकेट में, तो ये हो गया हमारा एवरेज वैल्यू। अब ये होता है जाई स्टार ए कैप ए हैड जाई डी टाऊ, डी डी टाऊ क्या है, वैल्यूम एलिमेंट अपॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, इज दैट क्लियर। अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा आपको, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। जैसा कि मान लीजिए किसी भी वेव फंक्शन में पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी वन हो, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है और बॉक्स में मैंने पार्टिकल दे दिया। अब मैंने कहा इस बॉक्स में पार्टिकल को फाइंड करिए, तो जाहिर सी बात है इस बॉक्स में पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगी, वन होगी। तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे, वन रख देंगे, इज दैट क्लियर। यहाँ पे हम वन रख देंगे तो हमें मिल जाएगा जाई स्टार ए हैड जाई डी टाउ, ये तो अपॉन में वन हो जाएगा, तो इसको हम लिखें या फिर ना लिखें। तो इस तरह से हमारा फिफ्थ पॉस्टुलेट भी क्लियर होता है। अगर आपको किसी भी टॉपिक में डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।